हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजेंद्र सिंह फ्रॉम महाराजा अग्रसेन स्कूल हिसार। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी पोएम ए टाइगर इन द जू। दिस इज अ थर्ड पोएम फॉर क्लास टेंथ। फर्स्ट स्टैंजा, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन इज क्वाइट रेज। इसमें टाइगर है, वो जैसे पिंजरे में कैद है तो उसकी गतिविधियां बताई गई हैं कि ही स्टॉक्स, वह धीरे धीरे चलता है इन इज विविड स्ट्रिप्स, अपनी जैसे चमकदार धारियां उसके ऊपर होती है उनके साथ। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में कुछ स्टेप्स चलता है, यानी ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और जो उसके पाँव जो थे चिकने गद्देदार होते हैं उन पे, इन इज क्वाइट रेज, अपने शांत गुस्से में, यानी उसके जैसे बताया गया कि मन, जब वो पिंजरे में कैद होता है कोई भी जानवर, तो उसके मन में जैसे एक खामोश सा गुस्सा होता है क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता, उसके अंदर से निकलने के लिए जैसे बेबस होता है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर पल्प डियर पास। लेकिन यहाँ पोइट ने ये बताया है कि उसे पिंजरे की बजाय एक जानवर को अपने जो नेचुरल हैबिटेंट है, उसका जो वास्तविक निवास स्थान है, वहाँ होना चाहिए ताकि वो परेशान ना हो। कि ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, जैसे वो छाँव में झांक रहा होता है, जैसे छुपा हुआ कोई जानवर अपने शिकार को देख रहा होता है, उसकी बात यहाँ बताई गई है। स्लाइडिंग थ्रू इज लॉन्ग ग्रास, यानी स्लाइड करते हुए, लेटे लगाते हुए लंबे लंबे घास में, नियर द वाटर होल, यानी पानी के कोई किसी भी तालाब के नज़दीक, जहाँ प्लम्प डियर पास, जहाँ मोटे मोटे जो डियर हिरण है वहाँ से गुजरते हैं, यानी उनको खाने के लिए वो तो उसे छाँव में छुप कर बैठा होना चाहिए था उसे, तो ये उसका वास्तविक जीवन बताया गया है। जब वो कहीं कैद नहीं होता तो कैसे जीवन जीता है। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, बेरिंग इज वाइट फंग्स इज क्लोज टेरोराइजिंग द विलेज। इसमें भी ये बताया गया है उसकी गतिविधियाँ, जो कहीं कैद नहीं होता, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, कि वो तो जैसे घरों के आस पास गुर्रा रहा होना चाहिए। एट द जंगल, एट जंगल के किनारे पे, बेरिंग इज वाइट फैंग्स, और अपने जो लंबे तीखे वाइट फैंग्स जो दांत होते हैं उनको दिखाते हुए, इज क्लोज, अपने पंजों को, टेरराइजिंग द विलेज, यानी उसे प्राकृतिक रूप में इस रूप से होना चाहिए कि वो तो जैसे जंगल के किनारे खड़ा हुआ और उधर तो आसपास के गांव के लोग हैं, उनको डराते हुए होना चाहिए, इसकी बजाय कि वो पिंजरे में कैद है। बट ही इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, इज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ इज केज, इग्नोरिंग विजिटर। लेकिन वो उसे तो लॉक किया गया है, तालाबंद किया गया है कंक्रीट सेल में, एक कंक्रीट जैसे कोठरी में। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार, अब उसकी जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ इज केज, और अपने पिंजरे की जैसे लेंथ को नाप रहा है, बार बार इधर उधर चक्कर लगा रहा है। इग्नोरिंग विजिटर, जो विजिटर वहाँ उसको देखने के लिए आते हैं उनको इग्नोर करते हुए, यानी इसकी बजाय कि बाहर वो आज़ादी से घूम रहा है, इसकी बजाय उसे पिंजरे में कैद कर दिया गया है, तो उसकी हालत को बताया गया है। ही आर द